उत्तराखंड में भी छठ की धूम देखने को मिली और जहां बिहारी महासभा ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में अरवा चावल और दाल के साथ कद्दू की सब्जी का प्रसाद वितरण किया गया, वहीं बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों और प्रशासन के सहयोग से देहरादून में भी छठ का पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आस्था के पर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें पहले दिन नहाए की विधि होती है और इसके अगले दिन खरना व्रत किया जाता है। छठ पूजा हिंदुओं की सबसे खास और कठिन व्रतों में एक माना जाता है। तो ये बड़ा पर्व है, महापर्व बोलते हैं इसको, 4-5 दिन लगातार चलता है। तो पहला दिन हम लोग नहाए खाए से शुरू करते हैं। नहाए खाए के रूप में आज हम लोग यहाँ पे लौकी की सब्जी, चने का दाल, चावल प्रसाद के रूप में बना करके सब लोगों ने ग्रहण करा है। जितने घाट है उसकी साफ सफाई, टपकेश्वर की दोनों तरफ जो सीढ़ियाँ हैं उनकी साफ सफाई, प्रेमनगर में घाट की साफ सफाई हो रहा है, वहाँ पे घाट बनाया जा रहा है, जेसीबी लगाया हुआ है। उधर चंद्रमणि में कृत्रिम घाट बनाया जा रहा है, दीपनगर में कृत्रिम घाट बना करके, जैसे नदी में इतने ज़्यादा लोग एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे तो हम लोग बहुत जगह पे गड्ढा खुदवा करके, कहीं पे पन्नी लगवा करके, कहीं पे पानी को ही डाइवर्ट करके घाट बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अर्घ दे सकें। छठ महामृत के आयोजन आज से शुरू भइल बा और काल भी व्रत में लोग रही हैं। काल खरना के कार्यक्रम हुई परसों जेबा से कि सायं के अर्घ हुई और 11 तारीख के सूर्य उदय के अर्घ हुई और ये बहुत ही शुद्ध और सात्विक तरीका से मनाई जाना। हमने के बिहार में जो मान्यता बा छठ व्रत के कि छठ मैया से जो भी चीज, जो भी इच्छा होके वो मांगल जाला ओकरा के छठ मैया के कृपा से पूरा होला। जो भी मंदिर से हमें डिमांड्स मिली थी, जो भी उनकी अपेक्षा थी हमसे, वो हम पूरी कर चुके हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है मंदिर को तो वो हमें बता सकता है और ऑफिस उसको पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से।